जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पिछले 30-35 दिनों से हम पूरा हिंदुस्तान, इंडिया देश हम लोग क्वारंटाइन में है इस COVID-19 महामारी के चलते। हम विश्वास करते हैं मसीह भाई बहन आप सब मसीह में स्थिरता के साथ विश्वास में आप लवलीन रहेंगे करके मैं आशा करता हूँ। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग अध्ययन करने के लिए आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। बाइबल निकालकर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 105 अध्याय का 4 वचन। भजन संहिता 105 का 4। यहोवा और उसको सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर यहोवा और उनका सामर्थ को खोजो, और वचन कहता है उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का सम्मुख को आप और हम लगातार खोजने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन, चाहत यह है उन परमेश्वर का संतान, बच्चे, हम सब उनके दर्शन को लगातार खोजने के लिए परमेश्वर हमारे लिए, हम सब के लिए इस बातों को चाहते हैं। हम और आप परमेश्वर को उपस्थिति में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। जो व्यक्ति परमेश्वर का सम्मुख में रहेंगे, और जिस व्यक्ति परमेश्वर का सम्मुख में उपस्थिति में रहेंगे, वो व्यक्ति आशीष को पाएंगे। परमेश्वर का सम्मुख से दूर हुआ 3 व्यक्ति को आपके सम्मुख में जल्दी से फेस करने के लिए मैं चाहता हूं। सबसे पहले आदम और अव्वा, परमेश्वर ने उन लोगों को सृष्टि किया, और आप जानते हैं इस सारा दुनिया को परमेश्वर ने अपने वचन से, अपना बोली से बनाया, लेकिन आदम को परमेश्वर अपना हाथों से बनाया। परमेश्वर ने एक स्पेशल अटेंशन देके आदम को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आदम और हव्वा पाप करने के चलते परमेश्वर का उपस्थिति से वे लोग दूर हो गए। आप जानते हैं परमेश्वर उन लोगों को अपना एदेन की वाटिका से दूर करना पड़ा, बहाने पड़ा। अब वे लोग परमेश्वर का उपस्थिति से दूर जाने के चलते क्या हुआ? तीसरा अध्याय उत्पत्ति 3:19 वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं, माथे के पसीने की रोटी उन लोग खाना पड़ा। पहले परमेश्वर का उपस्थिति में, सम्मुख में जब वे लोग थे, उन लोग के लिए खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, उन लोग को आराम से, उन लोग का सारा जरूरत उनके लिए प्रबंध किया गया। लेकिन जब आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर गया, तब उनको ऊपर एक श्राप आया। वो क्या है? अपने माता के पसीने की रोटी, अपने माथे के पसीने की रोटी उन लोग ने खाना पड़ा। इसका मतलब यह है उनका जीवन एक आराम का जीवन से परेशानी का जीवन हो गया। जब किसी भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे, उनका जीवन का आराम, उनका जीवन का शांति, उनका जीवन का सुख उनसे दूर हो जाएगा। और दूसरा एक व्यक्ति को हम आपके सामने हम उदाहरण के रूप में हम देने के लिए मैं चाहता हूं, कैन है। उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन के बारे में, जो आदम और हव्वा का बेटा, जब परमेश्वर का उपस्थिति से कैन दूर बहाना पड़ा, परमेश्वर कैन को जब बहाया, तब उन्होंने खुद स्वयं कैन ने परमेश्वर के सामने कह रहा है, मैं पृथ्वी पर भटकने वाला और बहोड़ा रहूंगा। जब परमेश्वर का उपस्थिति से कैन हटाया गया, उन्होंने स्वयं कह रहा है, मैं पृथ वी पे भटकने वाला और बहोड़ा रहूंगा। मेरा प्रिय भाई बहन, जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं है, वो इस पृथ्वी में, इस संसार में भटकने वाला रहेगा। उनके लिए कोई आराम नहीं, उनके लिए कोई निश्चयता नहीं। और तीसरी एक व्यक्ति को आपके बीच में हम उदाहरण के रूप में हम देने के लिए मैं चाहता हूं, हम सब जानते हैं योना के बारे में, नबी है, ही वाज अ प्रॉफेट,
एक भविष्यता है, नबी है, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का उपस्थिति से वो दूर हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं मानकर वो अपने मन जी पर अपने मन से चलने लगा, उनका जीवन में आंधी आया, तूफान आया, समुद्र में लहर उठाई, उनका सफर आराम से नहीं रहा। जब नबी योना ने परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हुआ, उनका सफर डगमगाया, समुद्र में आंधी लहर तूफान उठाया, और हम सब जानते हैं उनको समुद्र पे डालना पड़ा। मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला लेखक ने कह रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को खोजो, उनका मुंह के दर्शन को खोजो, और आप और हम रोज हर रोज परमेश्वर को खोजने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का खोजने वाला को कोई कमी ना होगा। हम पहले तीन व्यक्ति को बताएं, आदम और अव्वा, काइन और योना, ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुआ और उनका जीवन में परेशानी, उनके जीवन में समस्या, उनके जीवन में तकलीफ आया। लेकिन अब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों को क्या आशीष है, तीन बातों को आपके बीच में हम बोलकर हम अंत करने के लिए मैं चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, भजन संहिता 16 अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 वचन, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की निकट में आनंद की भरपूरी है। इसलिए आप और हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है। जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे, वहां पर आनंद का भरपूरी है, और वहां पर हमारा जीवन का हर प्रकार का सुख वहां पे मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के उपस्थिति में आप और हम रहना है। क्यों? परमेश्वर का उपस्थिति में भरपूरी से आनंद, देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय इन हिज प्रेजेंस, देयर इज लाइफ इन हिज प्रेजेंस। माय बिलोवड, मेरा प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का उपस्थिति में रहिए, रोज परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर का प्रशंसा में रहिए, वहां पर आपका आनंद भरपूरी से मिलेंगे। जिस आनंद, जो आनंद इस संसार नहीं दे सकता है, वो आनंद को परमेश्वर आपको और हमको देने के लिए वायदा करते हैं। हालेलुया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, इन हिज प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय, वी हैव टू बी इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर का उपस्थिति में आप और हम रहना है, क्योंकि वहां पर हमारे लिए भरपूर का आनंद है। दूसरी बात, हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, गिनती 9 अध्याय का 10 वचन, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बाहरी से लड़ने के निकलो, तब तुरहियों को सांस बांध कर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा। तुरहियों को सांस बांध कर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा। यू हैव टू ब्लो योर ट्रम्पेट इन गॉड्स प्रेजेंस, देन यू विल बी रिमेम्बर्ड इन हिज प्रेजेंस। जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर मुझे स्मरण करेंगे, परमेश्वर हमें उधार देंगे। यहां यही बात परमेश्वर ने अपने लोगों का कह रहा है, जब भी तुम अपने बाहरियों से युद्ध करने के लिए जाएंगे, तुम तुरही को श्वास बांध कर फूको, तब मैं तुम्हें स्मरण करूंगा। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्रिय भाई और बहन, जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर को आनंद देंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, तब परमेश्वर आपको और मुझको स्मरण कर अपने बाहरियों से हमें छुड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर को आराधना करो, तब परमेश्वर आपको स्मरण कर आपको विरोधियों से, आपको सताने वालों से, आपको दुख देने वालों से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख में स्मरण किया जाएंगे। इफ
you are in the presence of God, you will be remembered by God. Hallelujah, hallelujah. तीसरी बात, हम क्यों परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है? परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए आशीष है. पहला इतिहास 16 अध्याय 27 वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:27. उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है. हालेलुया. परमेश्वर का स्थान में, परमेश्वर का उपस्थिति में सामर्थ और आनंद है और ऐश्वर्य है. देयर इज फुलनेस ऑफ रिचनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे प्रिय भाई और बहन, आप परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे, आप परमेश्वर का ऐश्वर्य से, परमेश्वर का सामर्थ से और परमेश्वर की महिमा से आप भरा जाएंगे. इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहें. इट्स वन थिंग टू गो टू द चर्च एंड इट्स अनदर थिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. कलिशा और मंदिर जाना एक बात है और परमेश्वर का प्रशंसा में, उपस्थिति में रहना अलग बात है. पहला सामुएल में हम लोग बराबर पढ़ते हैं, हना सामुएल का मम्मी, वो हर साल मंदिर गई थी अपने परिवार के साथ परमेश्वर का आराधना करने के लिए, लेकिन उनका जीवन में आंसू, उनका समस्या पूरा नहीं हुआ, उनके लिए बच्चा नहीं है. लेकिन एक बार, एक दिन, एक साल ऐसा हुआ, परमेश्वर का उपस्थिति में गया. She went into the presence of the Lord. बराबर हर साल उन्होंने मंदिर गया, उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो परमेश्वर में का मंदिर, ना केवल परमेश्वर का मंदिर गया लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में गया. वचन लिखा हुआ है, अन्ना ने परमेश्वर का उपस्थिति में अपना दिल को उंडेल दिया, आंसू बहाकर परमेश्वर का उपस्थिति में रहकर उन्होंने मन भरकर प्रार्थना किया और उसी दिन परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना और परमेश्वर उनका आंसू को पहुंचा और उनका बच्चा को आशीष को दिया. इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति को खोजो, परमेश्वर का सम्मुख को खोजो, परमेश्वर के सम्मुख में रहो, परमेश्वर आपका परिपूर्ण आशीष देंगे. हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया होगा. इस वचन को विश्वास कीजिए, मानिए, अपनाइए, परमेश्वर का आपको आशीष करें. आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर समय में जिन्होंने इस वचन को सुना, विश्वास किया, परमेश्वर आपका सम्मुख में, परमेश्वर इन भाई बहनों को आप ले जाइए प्रभु. देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस. आपका सम्मुख में आनंद है, आपका सम्मुख में महिमा है, आपका सम्मुख में छुटकारा है, आपका सम्मुख में ऐश्वर्य है, महिमा है. आपका सम्मुख आनंद से इस वचन को सुनने वाला हर भाई बहन, बच्चों को, हर परिवार को आप तृप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ. आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू. अगला और एक वीडियो के द्वारा आप सबों से मैं मिलने के लिए चाहता हूँ. गॉड ब्लेस यू.